हर साल धूमधाम से मनाई जाने वाली कृष्ण जन्माष्टमी पर भी कोरोना की भारी मार पड़ी है। इस बार भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी हर उन त्योहारों की तरह फीकी नजर आ रही है जो कोरोना काल में मनाए जा रहे हैं। भगवान लड्डू गोपाल में आस्था रखने वाले करोड़ों भारतवासियों को इस बार बेहद निराशा हाथ लगी है। इस बार ना तो मंदिरों के कपाट खुल पाए और ना ही भगवान कान्हा की सुंदर झांकियां निकाली जा सकी। डांडिया का जो खेल आधी रात को खेला जाता था वो भी कोरोना ने अपने आगोश में ले लिया है। कोरोना की मार उन त्योहारों पर कुछ इस कदर पड़ी है कि भगवान में आस्था रखने वाले लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बावजूद इसके भले ही मंदिरों के कपाट बंद हों, भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के दर्शन ना हो पा रहे हों, फिर भी लोग अपने अपने कुनबे के साथ घरों में ही भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं। धर्मशाला में एक कुनबे की ओर से भगवान लड्डू गोपाल की बाल मूर्ति को खूब सुसज्जित किया गया। उन्हें रेशमी कपड़ों से तैयार किए गए झूले में बिठाया गया और उनकी आरती भी की गई। हालांकि इनकी ओर से भी कोरोना काल को देखते हुए बकायदा हर इंतजाम किए गए थे। बावजूद इसके इनके मंसूबों पर एक तो कोरोना ने कहर बरपा रखा है, वहीं मौसम ने भी पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारी बरसात के बीच में लोगों को अपना सारा साजो सामान खुली जगह से समेटकर घर के अंदर जाकर एक हॉल में आयोजन करना पड़ा। हालांकि यहां उस वक्त कोरोना को देखते हुए जारी गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी था। बावजूद इसके इस आफत और आस्था की घड़ी में लोगों ने सब कुछ भगवान लड्डू गोपाल पर छोड़ दिया और आधी रात तक भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पर्व पर खूब भजन कीर्तन किए और अपने आराध्य देव का जन्मदिन मनाया। जन्माष्टमी का त्योहार मनाने वाली उषा देवी और निशांत कौंडल ने बताया कि उनकी ओर से हर साल इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता रहा है। बकायदा इस खास अवसर पर झांकियां और भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। बावजूद इसके इस बार ये सब नहीं हो पाएगा क्योंकि कोरोना को देखते हुए इस वक्त सबके सामने जीने की जद्दोजहद है। अगर जिंदा रहेंगे तभी तो आस्तिक बन पाएंगे। अगर कोरोना के कारण किसी को नुकसान हो जाए या कोरोना फैल जाए तो फिर समाज में परेशानी और भी बढ़ सकती है, इसलिए सर्वप्रथम कोरोना से खुद का और दूसरों का बचाव जरूरी है, बाकी सब कुछ बाद में है। हम जन्माष्टमी का त्योहार तो मना रहे हैं, पर पहले तो हम खूब धूमधाम से मनाते थे। 5 साल पहले इस जन्माष्टमी को खूब धूमधाम से मनाते थे। राधा कृष्ण की झांकी निकालते थे और जनानियां भी सारी इकट्ठी होती थी और सारे हम भंडारा भी करते थे। इस बार कोरोना की वजह से हम इसको अकेले मना रहे हैं। हमने बच्चों के साथ इसका मनोरंजन जेड़ा अकेला अकेले में कर रहे हैं और इस बार कोरोना की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हर साल बनाते हैं जन्माष्टमी को, 5 साल हो चुके हैं और ये 6ठा साल है, जिससे इस बार कोरोना काल के कारण हम इसे धूमधाम से तो नहीं मना पाएंगे। जैसे भंडारा करते हैं, हम भंडारा नहीं हो पाएगा इस बार, पर इसे हम चाहते हैं कि डिस्टेंसिंग पे हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग पे काम हो जाए। आज जो हम ये जन्माष्टमी बना रहे हैं वो हम परिवार के ही मिलकर बना रहे हैं, तो मतलब कोरोना काल के कारण परिवार के सभी मिलकर बना रहे हैं। जो मेरे छोटे भाई बहन है वही आज कृष्ण की झांकी प्रस्तुत करेंगे।